माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप लोगों का बहुत ही शुक्रिया मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है और इसीलिए हम टाइम टू टाइम आपको वीडियोस बना के दे रहे हैं। हमारे पास HP के पवेलियन सीरीज में बहुत सारे मॉडल आए हैं और हमने वीडियो भी बनाया और आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। दोस्तों आज हम 2023 में एक रिसेंटली लॉन्च लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करी है और उसकी कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर करेंगे। ये जो मॉडल है ये पवेलियन 15 सीरीज का मॉडल है और इसका जो प्रोसेसर नंबर है 5625U। देखा दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है ये लोगों ने काफी प्रेफर किया है और पवेलियन सीरीज 14 जो मैंने नेक्स्ट अभी रिव्यू ही किया था उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो मैंने सोचा चलो इसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी रिव्यू करते हैं। आप लोगों के पास पहुंचना चाहिए इसकी डिटेल, बिकॉज मेरे यूट्यूब चैनल पे भी काफी लोगों ने इस मॉडल की इंक्वायरी करी है। फिजिकली आपको देख के पता चलेगा, अगर आपका बजट 50 से 60 हजार की रेंज में है तो ये मॉडल आपके बजट में काफी अच्छा आने वाला है। प्लस जो इसकी टच एंड फील है वो कमाल की है। जिन लोगों ने भी पवेलियन 14 यूज किया है, जो कि राइजन 5625U प्रोसेसर है, वो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दे कि इसका प्रोसेसर कैसा है, उनका फीडबैक कैसा था। बिकॉज मैंने जितने भी लैपटॉप सेल आउट किए हैं वो काफी अच्छे लोग हैं और उन लोगों ने ये लैपटॉप मेरे भरोसे पे लिया था, तो मैं उनसे कहता भी हूँ कि आप एक महीने तक इस लैपटॉप को यूज कीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हैं, हम फटाफट अपने लैपटॉप पे आते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग हमने पहले कर रखी है, देखिए कितना प्यारा लुक, स्लिम HP 15 है ये, पवेलियन सीरीज 15.6 है। दोस्तों ये कंप्लीट मेटल बॉडी में आएगी और फुल साइज कीबोर्ड होगा। आपने पहले भी लास्ट ईयर भी इसका मॉडल देखा होगा, बट वो जो मॉडल था वो ग्लॉसी डिस्प्ले में था। इस मॉडल की एडवांटेज ये है कि ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले में है। बाकी हम आपका इसके बॉक्स पे आते हैं और इसकी डिटेल शेयर करते हैं, चलिए आइए। तो ये है हमारा लैपटॉप और इसका जो मॉडल नंबर है वो है EH2050U। प्रोसेसर नंबर इसमें वही सेम होने वाला है जो कि है राइजन 5 5625U। इसमें 8GB की DDR4 RAM मिल रही है आपको, 512GB की SSD मिल रही है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो फुल HD IPS पैनल है दोस्तों, प्लस एंटी ग्लेयर है 250 nit और 45% NTSC के साथ में आ रहा है। B&O का प्रीमियम स्पीकर मिलता है आपको, 3 सेल बैटरी, 41W की चार्जिंग कैपेसिटी है, साथ में 65W का चार्जिंग अडॉप्टर मिलता है। प्लस हम जिस बॉक्स की अनबॉक्सिंग हमने करी है उसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है मार्च 2023 का, तो ये जो मॉडल है ये रिसेंटली आया है। चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप आपको क्यों लेना है। तो 60 की रेंज में वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं, बट एक प्रीमियम फील के साथ में, प्रीमियम टच के साथ में अगर कोई लैपटॉप आता है तो वो है HP पवेलियन 14 और 15। 14 में वैसे भी हमने अनबॉक्सिंग करी है और हमारे आई बटन पे आपको उसका लिंक मिलेगा जो कि है EC1003। ये रहा उसका डिस्प्ले, आप लोगों ने काफी प्यार दिखाया इस मॉडल पे और काफी लोगों ने हमसे बाय किया। ये वैसे 14 इंच का लैपटॉप है और जो इसकी डिस्प्ले है वो ग्लॉसी डिस्प्ले है, तो कहीं पे इफ या बट आता रहता है। और इसी का जो अपडेट मॉडल HP दे रहा है वो है पवेलियन 15। कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये मॉडल बिल्कुल सिंपल होने वाला है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन 14 और 15 की बिल्कुल एक जैसी है। इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर, सेम ग्राफिक कार्ड, सेम रैम फ्रीक्वेंसी मिलती है, बट यहाँ पे आपको 15.6 की काफ़ी बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो कि एंटी ग्लेयर है विद IPS पैनल के साथ में। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल कलर कंट्रास्ट बिल्कुल शार्प है और ये काफ़ी बेटर लैपटॉप है। वैसे जो HP ने इसकी प्राइसिंग रखी है वो है 58,000 की। तो चलिए फटाफट हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। ये हमारा लैपटॉप है और ये है फुल साइज न्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ में। आप देखेंगे पवेलियन सीरीज का जो कीबोर्ड है वो काफ़ी प्रीमियम होता है, प्लस जो इसका ट्रैक पैड है वो जेस्चर सपोर्ट के साथ में है, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड आपको इस लैपटॉप में मिलता है। और जो भी कस्टमर 50 to 60 की रेंज में लैपटॉप लेना चाहता है वो चाहता है कि यार मुझे प्रीमियम टच और प्रीमियम फील मिले, तो ये लैपटॉप ऐसा है जो आपको एक प्रीमियम टच और प्रीमियम फील देता है। बात करते हैं ऑनबोर्ड किस किस चीज़ की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पे आपको राइजन 5 5000 सीरीज का स्टिकर, रेडियन ग्राफिक का स्टिकर, MS ऑफिस 2021 का स्टिकर, प्लस B&O का आपको स्पीकर मिलता है। बात करते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पवेलियन की ब्रांडिंग प्लस MS HP का सपोर्ट नंबर आपको देखने को मिलता है।
ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कई लोग इसको हटा देते हैं और बाद में उनको जब भी कस्टमर केयर से बात करनी होती है तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस नंबर को बचा के रखिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप सपोर्ट और टोल फ्री नंबर पर आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं ये कितना प्यारा लैपटॉप है, प्लस ये फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड है दोस्तों। अगर आप नाइट में भी काम करना चाहते हैं तो इसका बैकलिट काफ़ी प्यारा है। ये देखिए बैकलिट इसका, देख रहे हैं प्रीमियम टच के साथ में, और काफ़ी बड़ा कीबोर्ड है दोस्तों। की ट्रैवलिंग इसकी काफ़ी बेटर होने वाली है, देखिए फुल साइज कीबोर्ड है तो की ट्रैवलिंग इसकी काफ़ी बेटर है। चलिए बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो बैक पैनल हमेशा एचपी का सेम वही गोल लोगो आता है और एक प्रीमियम फील है। ये भी मेटल है, जो इसका ये एरिया है ये मेटल है दोस्तों। प्लस इसके नीचे दो रबड़ ग्रिप लगती है जो कि इसके हिंजेस को रिलायबिलिटी देती है। आप जब भी लैपटॉप को ओपन करेंगे तो ये स्क्रैच फ्री आपको स्क्रैच नहीं आने देगा इस लैपटॉप पे। बात करते हैं इसके बैक पैनल की, तो काफ़ी बड़ा वेंटिलेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि इस लैपटॉप को बिल्कुल कूल रखेगा, और यहाँ पे हीटनेस की प्रॉब्लम 0% की मिलने वाली है। प्लस डाउनवर्ड स्पीकर है, दो वाट के काफ़ी प्रीमियम ब्रांडों के स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। स्पीकर टेस्ट हम अभी अपने इस लैपटॉप की करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। प्लस बात करते हैं तो यहाँ पे दो आपको रबड़ ग्रिप देखने को मिलती है जो कि वेंटिलेशन आपको देती है, इस लैपटॉप के बैक पैनल को ज़मीन में टच होने से बताती है। प्लस ये देखिए यहाँ पे भी आपको एयर एग्जॉस्ट मिलते हैं, तो ये लैपटॉप हीट नहीं होने वाला है और ये प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अब आइए हम बात करते हैं इसके हिंजेस क्वालिटी की, पवेलियन की हिंजेस क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है दोस्तों। वैसे ये लैपटॉप सिंगल हैंड से ओपन नहीं होगा, बट प्रॉपर वे है यहाँ पे टू फिंगर लगा के आप ओपन कीजिए। हिंजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लैपटॉप के हिंजेस ख़राब नहीं होने वाले हैं। प्लस ये मेटल बिल्ड में है तो वैसे भी एक प्रीमियम सीरीज है। देखा दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फुल HD IPS पैनल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ है। जिनको 6 से 7 घंटे वर्कआउट करना होता है उनके लिए डिस्प्ले काफ़ी मायने रखती है, आंखों पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। और लाइफ लॉन्ग अगर आप मतलब दिन में 5 से 6 घंटे इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो आपकी आंखें ख़राब नहीं होने वाली हैं। डिस्प्ले कंट्रास्ट काफ़ी क्लियर होने वाले हैं, ये देखिए हमने लाइव वीडियो चला रखा है और आप इसके डिस्प्ले की क्वालिटी को यहीं देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले है दोस्तों। चलिए अब हम इसके अंदर की स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि इसमें स्पेक्स तो वैसे वही सेम होने वाले हैं जो हमने वहाँ पे आपको दिखाया था। ये देखिए टास्क मैनेजर में हम आ गए और हम ये ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। चलिए प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर वही आपका राइजन 5 है, 2560U प्रोसेसर है ये सेम देखिए। प्लस जो 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, इसकी बेस स्पीड है 2.30 GHz की और टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलती है 4.3 GHz की। कैसे दोस्तों इसके अंदर 60 MB की होने वाली है, तो अगर आप एडिटिंग या कोडिंग के लिए भी लैपटॉप प्रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 16 MB कैसे बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रैम की, तो इसमें 8 GB की DDR4 रैम मिलती है जो कि 3200 MHz की है, और ये ड्यूल चैनल मेमोरी के साथ में आती है। 4x4 स्लॉट के अंदर ये लगी हुई है, 2 स्लॉट है और 4x4 में डिवाइड है ये रैम, तो रैम आपको ड्यूल चैनल मेमोरी में काफ़ी अच्छी मिलती है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो इसके अंदर 512 GB की NVMe SSD मिलती है और यूज स्पेस हमेशा की तरह जो इसमें मिल रहा है वो 477 GB का मिल रहा है। बात करते हैं इसमें दोस्तों अगर हम वाईफाई की, तो इसमें सेम आपका रियलटेक का वाईफाई मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपको देता है। और इंटीग्रेटेड GPU की बात करते हैं तो इसमें AMD रेडियन का ग्राफिक कार्ड मिलता है जो कि आपको 4 GB रैम शेयर करता है। तो इसमें 4 GB की ये रैम शेयर करता है, और जो इसमें आपको ग्राफिक कार्ड इंटीग्रेटेड मिल रहा है वो 3.7 GB का है, और 512 GB की इसमें आपको शेयर मेमोरी मिल जाती है, MB की शेयर मेमोरी मिलती है। तो ऑलमोस्ट अगर आपका डे टू डे नॉर्मल एडिटिंग का काम है तो ये लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम है दोस्तों। बात कर लेते हैं इसमें पोर्ट की, तो अगर आप देखेंगे तो वही स्टैंडर्ड पोर्ट मिलता है, एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक Type-A USB मिल जाती है, दूसरा आपको Type-C USB मिलती है जो कि स्लीप मोड चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका ये फ़ायदा होता है जिस भी लैपटॉप पे आपको डाटा ट्रांसफ़र प्लस चार्जिंग दोनों सपोर्ट होता है, इस कंडीशन में अगर आप ये लैपटॉप आप शट डाउन करके भी अपना फ़ोन चार्ज पे लगाएंगे तो ये आपके फ़ोन को एज ए पावर बैंक चार्ज कर देगा। प्लस इस पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी TV है जिसमें Type-C पोर्ट है
प्लस अगर जो प्रोजेक्टर होते हैं तो आप 4K वीडियो का टाइप सी से आउटपुट ले सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक आपको ऑडियो जैक मिल जाता है जो कि साउंड आउटपुट को सपोर्ट करता है। बात करते हैं दूसरी तरफ पोर्ट की, तो यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल लॉक मिल जाता है। ये लॉक वैसे इंडिया में तो यूज़ हो नहीं होता, बट आप कभी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे पब्लिक डेस्क होते हैं जहाँ पे ये लैपटॉप को आप लॉक कर सकते हैं। प्लस इस तरफ भी आपको एक USB टाइप ए मिल जाती है। इस लैपटॉप में 2 USB टाइप ए और एक आपको टाइप सी USB का सपोर्ट मिलता है। प्लस ये इसकी चार्जिंग डॉक है जो कि 3.45 mm की स्मार्ट पिन आएगी, उसको ये सपोर्ट करता है। मैं आपको चार्जर भी दिखा दूँ, 65 वॉट का चार्जर होगा और ये वाली पिन इसके अंदर लगेगी दोस्तों। काफ़ी ये HP की स्टैंडर्ड पिन होती है और काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी के साथ आती है। बात कर लेते हैं इसके कैमरे क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी 720 पिक्सल का मिलने वाला है जो कि ये स्टैंडर्ड कैमरा है और काफ़ी मतलब डे टू डे टास्क के लिए तो ये कैमरा प्रेफर कर सकते हो आप लोग। हाँ, जो नया लैपटॉप है वो 2 मेगापिक्सल में आ रहे हैं, बट 720 पिक्सल भी कोई बुरा कैमरा नहीं है। प्लस ड्यूल माइक सिस्टम के साथ आ रहा है, तो अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं डे टू डे आप लैपटॉप का यूज़ करते हैं कैमरा क्वालिटी के लिए, तो आपकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी जाएगी। ये नॉइज़ रिड्यूसिंग के साथ आता है, तो बैक एंड में कोई भी अगर नॉइज़ होगी तो ये 2 माइक सिस्टम है जिससे आपकी साउंड क्वालिटी भी कैप्चर होगी और जो पीछे के साउंड होगा उसको ये रिड्यूस भी कर देगा, तो कैमरे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। चलिए बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी, क्योंकि पवेलियन जो सीरीज़ है वो बिकती है अपनी साउंड क्वालिटी की वजह से। तो इसमें जो आपको स्पीकर मिलते हैं वो V&O के मिलते हैं और ये डाउनवर्ड स्पीकर है, 2-2 वॉट के नीचे मिलेंगे। तो एक बारी हम साउंड क्वालिटी का भी मज़ा लेते हैं। तो देखा दोस्तों, साउंड क्वालिटी V&O स्पीकर की है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। लैपटॉप दिखता ही अपनी बिल्ड क्वालिटी साउंड क्वालिटी की वजह से है। और दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी तक काफ़ी आपने इंटरेस्ट दिखाया EC1003 AU पे जो कि पवेलियन 14 में है और इसकी जो अभी सेलिंग प्राइस है वो 53,000 के आसपास है। बट अगर आप बजट बढ़ाते हैं और 60 के आसपास जाना चाहते हैं तो ये लैपटॉप काफ़ी प्रीमियम है। डिस्प्ले क्वालिटी इसका एक प्लस पॉइंट रहेगा, प्लस फुल साइज कीबोर्ड, बड़ा स्क्रीन। जिनका कोडिंग का काम है, जिन्हें नॉर्मल एडिटिंग करनी है, वो इस लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हैं। तो जो इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है, ये 1.7 kg के वेट के साथ आता है। तो दोस्तों इस लैपटॉप की हमने अनबॉक्सिंग कर दी है। ये लैपटॉप आपको कैसा लगा? अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे बात कीजिए और हमारे जो स्टोर है HP वर्ल्ड मुखर्जी नगर में आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आपका प्यार वैसे बहुत मिला है हमें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले वीडियो की हम तैयारी करते हैं। तो चलिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।